Welcome to Bali! चलो मैडम, हाँ ग्रैब वाला भी आ गया है। ओके, मान गया है कि टू व्हीलर में हम दोनों को लेके जाएगा वो। मैं बोला कि एक्स्ट्रा दे दूंगा 5-6 हज़ार इंडोनेशियन रुपये। एक काम करो, इसको चेन दे दो हाँ, और निकल दो। चलो मेरा फोन मेरे पास है, तुम्हारा फोन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाय, चलो मैं बैठता हूँ, फिर तुम बैठ जाना, ठीक है? शाबाश। सुबह के 6 बज गए लेकिन सूर्य देवता के अत्ता पता नहीं है, है ना? लगता है बाली में लेट आते हैं सूर्य देवता, क्योंकि सनसेट भी लेट होता है। शाम के 7 बजे सनसेट होता है, तो मेरे हिसाब से सुबह के 7 बजे सनराइज होगा। हे गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए ट्रैवल वीडियो में बाली सीरीज के। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज सुबह सुबह जल्दी उठ कर आना पड़ा एक एक्टिविटी करने 5-स्टार प्रॉपर्टी में। इस वक्त हम उबुद के इलाके में ही है, तना गजा करके 5-स्टार प्रॉपर्टी है, जो कि हमारे से 5 किलोमीटर दूरी था ज़्यादा महज। और सच कह रहा हूँ, मतलब अब आप देख रहे हो धीरे धीरे अंधेरा चला गया है, तो ये जो 10 मिनट की राइड थी ना, उसमें पूरे अंधेरे से थोड़ा बहुत उजाला आ गया, तो मज़ा आ गया था राइड में भी, है ना? एनीवेज बता दूं कि जो ग्रैब हमने बुक करी थी, तो कार तो 61,000 बता रहा था इंडोनेशियन रुपया, जो कि 300 रुपये के ऊपर हो जाता है। हमने कहा 5 किलोमीटर का इतना। फिर ग्रैब बाइक मैंने देखा, तो दो लोग को तो अलाउड नहीं करते, तो ग्रैब बाइक में दो ऑप्शन रहते। नॉर्मल ग्रैब बाइक 17,000 का था, और XL मतलब थोड़ा सा बड़ा रहता है बैठने के लिए ना, एक्स्ट्रा फ्लीट लेती है, वो 21,000 का था। मैंने वो बुक करा, फिर वो भाई साहब आए, मैंने बोला कि थोड़ा ज़्यादा ले लेना, लेकिन लेके चले हम दोनों को, तो 30,000 दिया मैंने, उसको भी खुश किया सुबह सुबह। और हम लोग पहुँच गए 5-स्टार प्रॉपर्टी में। अब यहाँ पे बहुत ज़ोरदार एक्टिविटी होने वाली है, मैं बोल के नहीं बता के ही बताऊंगा, बिकॉज जाहिर सी बात है आपने शायद हो सकता है थंबनेल में भी देखा होगा। सो लेट्स गो इन दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि 6:30 का अपॉइंटमेंट है, मतलब जो एक्टिविटी का टाइम रहता है, और लगभग 6:15 बज गए हैं, तो जाते हैं अंदर और बस शुरू करते हैं आज का वीडियो, है ना? ये प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है ना, रूम रेट पर रात का हाँ। कल रात को ही मैंने देखा था 20-22 हज़ार के आसपास है। गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, हाउ आर यू? एक्साइटेड? गरम है? Yeah, we'll be hot in here, yeah? Very okay. Water. गरम लग रहा है? ओके, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ भाई मैं, इससे पहले मैंने भी कभी नहीं किया था ये हॉट एयर बलून। बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। व्यू देखो ना, 360 डिग्री व्यू तो देखो। ओए, अभी थोड़ा नीचे आ रहे। हाउ मच मीटर वी आर अप? अप टू 50 मीटर। 50 मीटर, अभी हम 50 मीटर ऊपर आ गए एकदम। कैसा लग रहा है मोहतरमा 50 मीटर ऊपर से? मजा आ रही है ना, मजा भी आ रही है, डर भी लग रहा है ना, कॉम्बिनेशन।
Both are volcano? Yeah, this is still active until now. Oh, still active? Yeah, the big one, the last eruption is 5 years ago. Oh, 5 years ago blow. Yeah. And what is the name? Agum. आगुम वॉल्केनो है, ये सामने जो आपको पर्वत दिख रहा है 5 साल पहले ही ब्लास्ट हुआ था, अभी भी एक्टिव है ये वॉल्केनो। दूसरा जो छोटा है वो भी एक्टिव है लेकिन उसको टाइम हो चुका है ब्लास्ट होके। ये डाउन नाउ, ओके फिनिश। 10 मिनट कैसे पूरे हुए पता ही नहीं चला। एक्चुअली अच्छा है, मजेदार है, मतलब जितना पैसा डालते तो ऐसा लगता है कि हां चलो कुछ नया ट्राई किया। सुबह सुबह एक्टिविटी बहुत अच्छी कराई आपने। अच्छी कराई हाँ। लेकिन अब तक हुआ किधर है ना कुछ, मतलब ये तो आधा ही था, आधी एक्टिविटी बाकी है अभी। क्या बाकी इधर ही रहने का, किधर जाने का नहीं। अच्छा, दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी इन द बाली व्हिच हैव हॉट एयर बलून, राइट? यस, ओके, ओनली दिस प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इफ वी बुक अ स्टे, देन कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट? वन विला इंक्लूडेड विद दिस? अच्छा, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ द विला इन US डॉलर? बढ़िया। और अगर एक्टिविटी की बात करूँ तो मैंने, अगर आपने पहले के वीडियो देखे बाली के, आई मीन एक दो वीडियो पहले देखा रहेगा ना, हम टूर कर रहे उबुद का जो नॉर्थर्न चार्म वाला टूर था हमारा, काफ़ी सारे अट्रैक्शंस देखे थे, चाहे वो गेट हो जाए या फिर वो लेक हो जाए या फिर वो स्विंग किया था, वो कौन सी वेबसाइट से की थी, गेट योर गाइड, बस वहीं से एक और एक्टिविटी बुक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जब भी आपको कोई भी कंट्री जाते हो और कुछ भी एक्टिविटी करना है, बेसिकली ये नॉन पेड प्रमोशन है, मैं ऐसे ही आपको गाइड कर रहा हूँ, एक सलाह दे रहा हूँ एक लिंक के माध्यम से, कि कभी भी कोई कंट्री जाते हो तो एक बार एक्टिविटीज चेकआउट करके अपने बजट के हिसाब से कुछ भी आप बुक कर सकते हो। What's next now, huh? Floating breakfast. ये फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट वही ना जो वो लोग इसे बताते हैं इंस्टाग्राम एंड ऑल, हम देखते हैं यस यस स्विमिंग पूल में, यस वो फ्लोट करता है बास्केट में सब, या मॉलडीव्स वगैरह लग्जरी जगह पे नहीं होता है वैसा ही कुछ। अपन भी वैसे ही करेंगे, कौन ऐसा पानी गीला गीला ये पता नहीं पानी कैसा है, हाँ ये सब जमेगा ही नहीं, वही वही स्पगेटी है एकदम प्योर वेज, ये वेज फ्राई राइस है, वो फ्रूट्स है, ये फ्रूट्स है, वो रितिका है, ये वाइन ग्लासेस स्पार्कलिंग वाइन जो कि टेस्ट के लिए पियेंगे, बॉटल ऐसी की ऐसी पड़ी है वो तो पीने वाले नहीं है अपन, है ना। और ये वाटरमेलन जूस है और ये स्मूदी है, ये स्मूदी है बेरीज, मिक्स बेरीज, यस आई लव स्मूदीज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमने कहा कि मान लो हम ये खा ले, हमें टेस्टी लग गए और ये सब खत्म हो गया तो रिफिल हो सकता है कुछ? उन्होंने कहा कि यहाँ तो नहीं हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे आप दोनों के अलावा हमारा कोई स्टाफ होगा नहीं जो रेस्टोरेंट का ये सब करता है, तो कोई बात नहीं आप रेस्टोरेंट आ सकते हो वापस और कुछ मंगा के खा सकते हो। ये बढ़िया चीज लगी मेरे को, नहीं स्पगेटी तो ठीक है, राइस कैसा है, राइस खाया तुमने? ओके ओके, ये खाया क्या, चिक्की, मीठी चिक्की नहीं है, नॉर्मल है लेकिन गेहूं वेहू की, मस्त लगी मेरे को, कुछ यूनिक लगी। आ जाओ अभी सादे ब्रेकफास्ट पे। हाँ, पर अपना पनीर होता है तो मजा आती है। पनीर चाहिए बोलता हुआ है ना, अंदर टोफू है वो, अपना टेस्ट, अपना टेस्ट, इंडियन टेस्ट थोड़ी, इंडियन टेस्ट है। हाँ। कुछ नहीं है मेरे हाथ में फिर भी आ रहे मेरे पास, सो क्यूट ना, ट्राई करो। हाँ करो ना, देखो ऐसे थोड़े बहुत स्क्रैचेस आएंगे, देख लो, ज्यादा नहीं आएंगे लेकिन ट्रस्ट मी इतना जोर से नहीं लगेगा तुम्हें, ठीक है, डरना मत, बस डरो मत, लो 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 पैक हो गया वो, गिव मी, ये लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, डरो मत यार, वो कुछ नहीं करता बेचारा, लो 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 लो, वेरी गुड, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हाँ आराम से, आग बंद कर दो, आग बंद कर दो, हो रही है।
हाँ तो आग बंद कर दो, कुछ नहीं। ओके बाय बाय, टेक केयर, चलो चलो जा रहा हूँ मैं, बस 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 बेटा बस, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हाथ में, चलो चलो। एक दो अलग एक्टिविटी करके मजा आ गया, कुछ अलग देखा, और वैसे प्रॉपर्टी भी अच्छी है। हाँ ये प्रॉपर्टी अच्छी है, और यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी देखने मिली, जैसे वो पिजन हो गए, डक हो गए। हाँ वैसे तो मतलब बॉम्बे भी है वो पिजन का तो, हाँ, फीडिंग करती है हर किसी होटल में, किसी प्रॉपर्टी में, या अनएक्सपेक्टेड था, सोचा नहीं था आने से पहले कि हमको ये करने मिल जाएगा। बढ़िया है, मतलब आप प्रॉपर्टी में स्टे नहीं भी ले रहे हो, कुछ एक्टिविटी है जैसे हमने करा वैसे कर रहे हो, फिर भी दिक्कत वाली बात नहीं, आप ऐसे बुकिंग कर सकते हो। और रेट अगर की बात करूँ तो पर पर्सन 7,000 के आसपास, 7,500 रुपये के आसपास लगा, जिसमें हॉट एयर बलून, वो ब्रेकफास्ट हो गया, और काफ़ी सारे अनुभव किए प्रॉपर्टी में। आप 3 घंटा आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो, 4 घंटा कर सकते हो, जो मर्जी, कोई रोकने वाला नहीं है, है ना, मज़ेदार है। अभी हम किधर जाए, अभी हम किधर जाएंगे, गोवा गजा जाते हैं, गोवा गजा बाजू में ही है, 5-10 मिनट का वॉक, ज़्यादा दूर है नहीं। ये है ताना गजा, बगल में है गोवा गजा। बेसिकली गोवा गजा है क्या, तो एक टेंपल है, हिंदू टेंपल है आप बोल सकते हो, और बहुत ही शानदार है, मस्ट विजिट प्लेस है वेन एवर यू आर इन उबुद एरिया। तो अगर मस्ट विजिट प्लेस है और हमारे बगल में ही है और हम ना जाए, ऐसे हो नहीं सकता। ओके थैंक यू सो मच। तो ये गोवा गजा है, यहाँ पे रेट है फॉरेन का एडल्ट का 50,000, चाइल्ड का 25,000। चलो इन्हें दे सर रूम है फ्री, राइट? यस यस यस। हेलो कम लुंगी या लुंगी लुंगी लुंगी। टिकट आपने ले ली 50,000 पर पर्सन, दैट्स इट। उसके बाद ये फ्री में पहनाते हैं, बाहर आपको मिलेगा स्टोर्स में, लेकिन खरीदना मत, क्योंकि जाहिर सी बात है जब फ्री में पहनाते हैं तो आप क्यों ही खरीदोगे, अनलेस आपको नहीं चाहिए घर के लिए। तो इस वक्त मैं और रितिका आए हैं गोवा गजा, जो कि आप सभी को पता ही है, एक टूरिस्ट स्पॉट उबुद एरिया में, जो कि बहुत ही क्लास है। मतलब स्पेशली ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ना, केव का स्टार्टिंग पॉइंट, ये एक पिक्चरिस्टिक जगह है जो आपको बाली के लगभग काफी सारे पोस्ट में देखने मिलेगा। अगर नहीं भी मिलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे वीडियो के माध्यम से आप जरूर देख पा रहे हो। गोवा गजा आप गूगल मैप्स में भी डालोगे तो इसी का फोटो पहले आएगा, बिकॉज बहुत ही खास है। 9th सेंचुरी में बनाया गया है, मतलब आप सोच सकते हो कितने साल पुराना है ना। तो वही बात है, हिंदू टेम्पल है, गणेश जी की प्रतिमा हर जगह मिलेगी। तो बोलो गणपति बप्पा मोरिया। गणेश जी और शिव जी के दर्शन करके कितना अच्छा लग रहा है, सच्ची। तो हम गोवा जाके आ गए, गोवा गजा टेंपल जाके आ गए, और वहां से हम यहाँ पे आए डायरेक्ट सरस्वती टेंपल। मैडम भी कॉमेडी करने लग गई यार। तो बेसिकली गोवा गजा टेंपल से आ गए सरस्वती टेंपल, जो कि सेंट्रल उबुद इलाके में ही है। मैडम ने बोला कि टेंपल इतना अच्छा लग रहा है, क्यों ना एक और टेंपल जाए। बोला ठीक है चलो लेके आता हूँ, क्या ही दिक्कत, वापस 5 किलोमीटर का ही रास्ता था ना, तो वापस ग्रैब पकड़ी और आ गए यहाँ पे सरस्वती टेंपल में। एंट्री फी नहीं है जैसे गोवा गजा में थी, यहाँ पे एंट्री फी नहीं है, लेकिन डांस शो होता है हर इवनिंग में, जो कि 1 लाख इंडोनेशियन रुपया, यानी कि 500-550 रुपए के आसपास चार्ज होता है, अगर आपको डांस शो इवनिंग शो देखना है 7:30 का। तो अदरवाइज यू कैन एंजॉय फ्री साइट सीइंग जैसे हम कर रहे हैं।
तो गाइस इस वीडियो में ना हमने बहुत नई नई चीजें की है, तो आपको कौन सा अच्छा लगा ना वो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को तो पक्का लाइक कर देना। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जल्द मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय।